का माली साल 2024-25 का बजट आज पेश किया जाएगा। विफाक से मुख्तलिमात में 1754 अरब रुपए मिलने का इम्कान है। सूबे के अखराजात 1654 अरब रुपए होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती बजट के लिए 259 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का बजट 100 अरब रुपए सरप्लस होगा। दस्तावेज के मुताबिक तनख्वाहों के लिए 600 अरब रुपए से ज्यादा का बजट मुख्तस किया जाएगा, जबकि सेहत कार्ड के लिए 28 अरब रुपए से ज्यादा मुख्तस किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल के बजट में नए इकदाम भी उठाए जाएंगे। नौजवानों के लिए आसान शराइत पर कर्जों का इजरा भी किया जाएगा। बीआरटेक के किरायों में इजाफे की तजावीज भी शामिल हैं। सेहत कार्ड के फंड्स में भी इजाफा होगा। पेशावर से आमिर जमील की रिपोर्ट। साल के बजट में सबसे बड़ा रिलीफ सेहत कार्ड की मद में आवाम को दिया जाएगा। सूबाई बजट में सेहत कार्ड के लिए 28 अरब रुपए से जायद का फंड मुख्तस किया जाएगा। बीआरटी के लिए 2.5 अरब रुपए तक सब्सिडी के लिए भी फंड मुख्तस करने की तजवीज शामिल है। महकमे खजाना जराए के मुताबिक अराजी इंतकालात पर टैक्सेस 6% से कम करके 3% पर लाने की तजवीज समेत बीआरटी के किरायों में फी स्टाफ 5 से 10 रुपए इजाफे की तजवीज भी शामिल है। सूबे भर में नए मंसूबों के बजाय 90% फंड जारी मंसूबों को देने की तजवीज भी शामिल है। पिछली हुकूमतों का थ्रो फॉरवर्ड भी बहुत ज्यादा था, उसमें से जो ज्यादातर गैर जरूरी प्रोजेक्ट थे तो सीएम साहब ने रेशनलाइज करके तो उसमें पिक एंड चूज किया हुआ है। इसके साथ साथ इंशाल्लाह जो हमारा वेलफेयर, जो हमारा बुनियादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सोच है, एक मंशूर के मुताबिक, तो चीफ मिनिस्टर साहब के विजन के मुताबिक इंशाल्लाह उसी तरीके से हम लोगों की फलाह बहबूद के लिए ज़्यादा चंक छोड़ेंगे। इसके साथ साथ डेवलपमेंट साइड पे भी हम जाएंगे। सूबे के आइंदा माली साल के बजट में नौजवानों के लिए आसान शराइत पर कर्जों और दीगर उमूर के लिए 10 अरब रुपए से ज्यादा मुख्तस किए जाएंगे, जबकि मकामी हुकूमत को 2.5 साल बाद तरक्याती फंड का 20% मुख्तस करने की तजवीज भी शामिल है।